हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमने फ्रेगरेंस का रिव्यू करने वाले हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, टॉम फोर्ड बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, फैशन हाउस है। और जो टॉम फोर्ड था वो बेसिकली YSL के लिए फ्रेगरेंस बनाता था एक टाइम। उसका पहला बूथ फ्रेगरेंस था M7, जो मैं ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। ये मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था इसका। जब कभी ऑफर लगती है तो फिर आपको पता, मैं उठा लेता हूँ। इसका बुक्स दिखा देता हूँ और बोतल बहुत खूबसूरत है, ठीक है। बेसिकली ये ज़्यादातर लेडीज़ का फ्रेगरेंस है, ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस आप पहन सकते हैं, अगर आप चेरी वगैरह लाइक करते हैं, ठीक है, ये बेस्ड ऑन चेरी फ्रेगरेंस है। और बहुत से नोट्स इसमें हैं, ठीक है, और बॉक्स आप प्रेजेंटेशन नाइस है, जैसे कि चेरी का कलर है। और आप पहले आपको बोतल दिखा देते हैं, बहुत डार्क जूस है, ठीक है, और कैप बहुत नाइस है, जैसे सेम इनकी कैप होती है, और ये बैच कोड वगैरह है। सबसे पहले मैं आपको इसका क्या कहते हैं कि नोट्स बता देता हूँ। बेसिकली ये रिलीज़ हुआ था 2018 में, और इसमें बेसिकली सावर चेरी है, आलमंड है, लिक्विश है, मिडिल नोट में सोर चेरी है, प्लम है, टर्किश रोज है, और सिनेमन, सैंडलवुड, सेडर, पेचुली और वेतीवर। बेसिकली इसमें बहुत सारे नोट्स हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल नोट्स में नहीं जाना चाहता। अगर आप ये थोड़ा गुरमानी टाइप फ्रेगरेंस है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मैं कहूँगा कि ये फ्रेगरेंस लेडीज़ के लिए, ठीक है, लेकिन अगर आप स्वीट फ्रेगरेंस, सिकनिक स्वीट जो होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रेगरेंस लाइक करते हैं, या आप चेरी का नोट्स लाइक करते हैं, चेरी आप खाते हैं, आपका फेवरेट फ्रूट है, ओपनिंग में आपको बता देता हूँ। स्प्रे, जैसे आपको पता है, मैं ज़्यादा इसका स्प्रे ज़ाया नहीं कहता क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव फ्रेगरेंस है, तो मुझे इवन स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे ही आपके सामने कैप खोला, उठाया, तो बेसिकली ये इसमें तीन चार नोट्स हैं जो मेन नोट्स हैं, ठीक है, बाकी सारे थोड़ा सा प्ले करते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में ज़्यादा है। मेन नोट जो है चेरी है, ठीक है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके लिए बेटर है कि अगर दोनों लाइक करते हैं, एक ले लें, वो बेसिकली मैं कहूँगा 100 ml ले लें, इनफ होगी आप दोनों के लिए। स्प्रे में आपके हमें हाथ पे लगाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रेगरेंस है, इस टाइम टेम्परेचर वॉम है, इसलिए देख लें। मेरा हैंड अभी भी वेट है। ये इस लाइक सावर चीज चेरी है, और जैसे बादाम है, ठीक है, बादाम कड़वा बादाम नहीं होता, जैसे उसकी स्मेल वो आती है इसमें, और चेरी मेन नोट चेरी है बेसिकली। बादाम की स्मेल, आलमंड की स्मेल आती है, लेकिन ज्यादा नहीं। और जो कि आपको पता है सैंडलवुड है, वो इसको थोड़ा सा स्वीटन कर देता है, थोड़ा सा क्रीमी टाइप आपको वाइब देता है इसमें। अब ये हैंड ड्राई हो चुका है, ठीक है, और क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी 3-4 बार अप्लाई किया है कुछ वीक पहले, ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। बेसिकली ये कहूँगा कि ये एवरीडे फ्रेगरेंस नहीं है, ठीक है। वजह इसकी ये है कि इसकी प्राइस, अगर आपके पास इनफ है तो फिर तो आप डेली, आपका सिग्नेचर सेंट बन सकता है, लेकिन ओनली ठंडे मौसम में, गर्मी के मौसम में नहीं, ठीक है, अनलेस कि आपके क्लाइमेट कंट्रोल में है, जैसे कि एसी वगैरह में है, तो फिर तो ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस, इसकी यूनिकनेस वाले आते हैं, यूनिकनेस हमारे से इतनी यूनिक नहीं फ्रेगरेंस, क्योंकि बहुत सारे चेरी फ्रेगरेंस हैं, चेरी बेस्ड फ्रेगरेंस हैं, तो लेकिन ये थोड़ा सा हटके, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी की कॉपी है या बहुत ज़्यादा मेल चलते हैं। मैंने एक तो चेरी फ्रेगरेंस मेरे पास कलेक्शन में है, वो है लाउम गलान के हैं, एक्चुअली आइडिया गलान। तो बेसिकली ये इसके दो साइज आते हैं, आई थिंक 100 ml, 50 ml। समटाइम ये 250 ml के करते हैं, लेकिन वो प्राइस 2-3 लाख की पहुंच जाती है, ठीक है। बेसिकली ये मुझे बहुत अच्छी प्राइस में मिला है। नॉर्मली इसकी प्राइस होती है, मैं पाउंड में बताऊंगा, 220 pounds, लेकिन ये मुझे मिला था अराउंड 150, सो 60 या 70 pound ऑफ मिल गया था इसमें, ऑफर लगी हुई थी। इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से मैं कहूँगा कि तकरीबन आपके स्किन पे,
बेसिकली स्किन पे 6 से 7 घंटे रहता है, ठीक है। बहुत बीस्ट मोड फ्रेगरेंस नहीं है, जैसे कि तंबाको उद है, वो भी मेरे कलेक्शन में है, अभी रिसेंटली मैंने परचेज़ किया और उसका भी रिव्यू आप लोगों के सामने करूँगा। बेसिकली इसकी जो स्मेल है वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, लॉस चेरी, चेरी का चेरी बेस्ड फ्रेगरेंस है। और इनके बहुत सारे एक अभी मैं कहूँगा कि डिफरेंट टाइप इनके रिव्यू सॉरी नेम्स हैं, और उन नेम में जैसे बिटर पीच है, वो ज़बरदस्त है, अभी रिलीज़ हुआ है। और उसके बाद एफ फेबुलस है, ठीक है। इनके नेम बहुत थोड़े रूट टाइप और आई थिंक सिडेक्टिव टाइप इनके नेम है, ठीक है। और लॉस चेरी बेसिकली आपको मीनिंग डबल मीनिंग के मैं कह रहा हूँ, और उसके बाद बिटर पीच का एक डबल मीनिंग है, ठीक है। बेसिकली ये बहुत बोल्ड फ्रेगरेंस बनाते हैं, जैसे टॉम फोर्ड फेमस इसलिए कि इनके फ्रेगरेंस बहुत बोल्ड होते हैं। और अगर आप प्राइस हाई पे करते हैं, और आपको डेफिनेटली यूनिकनेस और डेफिनेटली आपको हटके मिलता है, ये फ्रेगरेंस कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये फ्रेगरेंस सिंपल है, जस्ट ओपनिंग नोट से बेस नोट पे चेरी मेन नोट है, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत आप नोट्स के इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन मेन नोट चेरी है। अगर आप वाकई चेरी बेस्ड जो परफ्यूम लाइक करते हैं, डेफिनेटली ये वर्थ बाय है, ठीक है। ऑनलाइन चेक कीजिए, आपको कभी ना कभी अच्छी प्राइस में मिल जाएगा। ये था गाइस मेरा रिव्यू लॉस चेरी का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू करेंगे दूसरा, उसको क्या कहते हैं, टॉम फोर्ड तंबाकू उद का, और उसके बाद दूसरा कौन सा है, टॉम फोर्ड तंबाकू बनी, ठीक है। ये दो मेरे पास फ्रेगरेंस हैं टॉम फोर्ड के, हम उसका भी रिव्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।